श्री देख यार, आज कितना प्यारा सा एक दिन है, बट आज हम लोग क्या करें यार। चलो आज कुछ मजेदार करते हैं, जैसे कि छुपा छुपाई खेल सकते हैं हम। हाइड एंड सीक, नॉट अ बैड आइडिया, बट हाइड व्हाट? व्हाट, ये क्या है? ओ श्री, हमारे हमारे घर पे आग कैसे लग गई? व्हाट, ऐसे कैसे है? अरे हमारे घर में कितने सामान है, उसको बुझाते हैं ना। अरे नहीं यार, आग लग चुकी है भाई, उसको देखा मेरे को डैमेज मिला। सही, आग कैसे लगी? तूने कहीं पे कुछ बाजू पे लावा वावा तो नहीं रखा था ना? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं था। वो तो इनसे किए तो हमारा घर पूरा टूट गया, फिर हमारे पैसे और जो भी हमारे सामान थे उसका क्या होगा? अरे यार पता नहीं यार, सारा सामान जितने भी हम लोगों ने ग्राइंडिंग करी थी वो सब चला गया यार, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कितना नीचे कुछ होगा क्या? नीचे कुछ होगा मतलब मुझे लगता तो नहीं यार कि हमारे सामान और कुछ भी यहाँ पे बचा हुआ होगा। यार फिर हम क्या करें? फिर भी देखते है ना नीचे जाके, कुछ कुछ अगर मिल जाए फिर भी। यार श्री, कोई भी हम लोगों का एक भी सामान यहाँ पे जिंदा नहीं है यार। अपने पास जितने भी डायमंड थे, जितने भी पैसे थे ना, वो सारा पैसा सब कुछ जा चुका है यार, कुछ भी नहीं बचा है अभी। यार फिर आप क्या करें? कुछ आइडिया है तेरे दिमाग में? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर हम सरवाइव कैसे करेंगे इधर इतने मेहनतों का, इतने सालों का हमारे सामान। श्री देख, जो हो गया सो हो गया है ना, उस पे हम कुछ कर नहीं सकते। टाइम जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो श्री सुन, मेरे दिमाग में ना कुछ दिन से ना एक आइडिया आ रहा था कि हम लोग एक बिजनेस कर सकते हैं, बट मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था कि ऐसा क्या बिजनेस करे। तू देख, अभी ना मेरे दिमाग पे कुछ चीज आया है। श्री तू देख, ये देख, तेरे को यहाँ पे एक विलेज दिख रही है? हाँ। तो देख, मेरे दिमाग में क्या आया है कि यहाँ पे इस विलेज में ना बहुत सारे विलेजर्स रहते हैं ना, मतलब बहुत सारे इंसान, तो इंसानों को ना बहुत चीजों की नीड होती है, राइट? यस। हाँ, तो हम लोग एक ऐसा बिजनेस करते हैं जहाँ पे ना हम लोग ना बहुत ही अच्छे अच्छे सामान बेचेंगे, ये विलेजर्स आके हमसे खरीदेंगे, एंड हम लोगों का बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा होगा, एंड हम धीरे धीरे वैसे अमीर बन जाएंगे पहले से भी ज्यादा। ओह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, चल करते हैं ना। लेकिन इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, हम लोगों का वो सारा पैसा चला भी गया, बट अभी क्या कर सकते है, ये पैसे कहाँ से लाए? ये भी तो सही बोला तूने, पैसे ही तो नहीं है सारे चलेगा, अब पैसे कहाँ से लाए? कुछ आइडिया नहीं है तेरे दिमाग में? सोचना अच्छे से, सोचते कहाँ जाएगा। मेरे पास एक आइडिया आ रहा है कि हम लोग ना शहर में जाते, वहाँ पे जाके जो बैंक होते हैं ना, बैंक से हम लोग ना लोन वगैरह लेते। हाँ ये बहुत मस्त आइडिया है, चल बैंक चलते हैं, हमें दे देंगे ना लोन वो लोग। वो तो वहाँ पे जाके ही पता चलेगा, आज हम लोग ना शहर के लिए निकल पड़ते। चलो। हाँ श्री देख, फाइनली हम लोग शहर में यहाँ पे आ चुके हैं यार, ये देख कितना मस्त है ना। ओ कितना बढ़िया शहर है यार, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, अभी हमें बहुत सारे पैसे लोन मिल जाएंगे, तो यार हम बिजनेस भी कर लेंगे। Yes, and ये देख हम लोगों के सामने क्या है, यहाँ पे एक बैंक है, मैं इस बैंक के अंदर जाता हूँ, ठीक है? ठीक है जल्दी जल्दी। हाँ तू यहाँ पे इंतजार कर रहा, मैं जाता हूँ बैंक वालों से बात करके आता हूँ, अगर कुछ पैसे मिल जाए तो हम लोग का बिजनेस जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा यार, लेट्स गो। ऑल द बेस्ट इंसेक्ट। यार श्री, क्या हुआ यार? एक बैड न्यूज है। क्या हुआ? नहीं दे उन्होंने लोन? वो लोग अभी हम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है बैकअप प्लान, आई मीन कुछ भी हम लोगों के पास नहीं है ना, इसलिए वो लोग हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे कि वो हम लोगों को ना पैसा दे, समझ रहा है? अरे फिर क्या होगा इनसे, अभी ये लोग नहीं देंगे लोन, फिर हम कैसे बिजनेस बनाएंगे? कुछ सोचना आइडिया, कुछ तो होगा ना यार, ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ भी ऐसा जो कि बस हमें करना है। कहाँ से पैसे हम ले सकते हैं? देख श्री, मैं सही बोलूँ, देख बैंक या ये सब जो होता है ना ये लीगली ये सब होता है ना, पैसे वैसे देते तो, बट मैं एक ऐसे जगह जानता हूँ ना जहाँ पे हमको पैसे तो मिल जाएंगे 101%, लेकिन श्री वो जगह खतरे से खाली नहीं है, मतलब वो एक इलीगल टाइप का जगह है, ठीक है? वो कोई गैंगस्टर वगैरह है जो हम लोगों को ना पैसा वगैरह देगा। ओके, तो ये रिस्क है ना, कोई नहीं करते है ना फिर, मतलब पैसे तो मिल जाएंगे ना 100%? हाँ पैसे तो मिल जाएंगे, पता नहीं वहाँ पे क्या हो, क्योंकि मैं उस जगह के बारे में ना सुना हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ, अभी जाके देखता हूँ वहाँ पे कि क्या होता है, मुझे खुद नहीं पता, तू मेरे साथ साथ रही हो, वो जगह ना इधर साइड पे पड़ती है, आ जा। चल। हाँ श्री, तो ये देख, ये जो सी पोर्ट है ना यहाँ पे ही है वो लोग, अब मुझे पता नहीं वो लोग कहाँ पे रहते हैं, और ये तू क्या देख रही है आजू बाजू इतना?
यार ये कितना अजीब सा जगह, तेरे को नहीं लग रहा? देख कितना अजीब फील हो रहा है यार, मतलब गंदा है, मतलब डरावना, या क्या बोलूं मैं, डेंजरस कैसा है। बट देख श्री, आजा मेरे साथ आजा, हम लोगों के पास ना और कोई रास्ता भी नहीं है, हम लोगों को यहाँ से ही पैसा मिल सकता है। मैंने सुना तो यहाँ पे किसी कंटेनर के अंदर ना वो लोग रहते, तो सोच रहा इतनी छोटी कंटेनर के अंदर वो लोग कैसे रह सकते, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। आजा आजा मेरे साथ आजा, यहाँ पे कहीं पे तो है, तू भी देख आजू बाजू पे देख श्री, यहाँ पे देख रही हूँ यहाँ पे कहाँ है श्री, ये देख यहाँ पे ना मेरे को एक डोर मिला है। इसमें कैसे डोर लगा? अरे हाँ यही तो नहीं है वो सीक्रेट जगह, देख ये क्या है यार, बट इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली अंदर से। बट श्री ये तेरे को एक लीवर दिख रहा है? यस, इधर लीवर क्या कर रहा है वो? हाँ ये देख अंदर, देख एक सीक्रेट स्टेयर जा रही है नीचे तक। भाई दरवाजे बंद कर देते हैं। हाँ श्री सुन 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 देख, हाँ हाँ यहाँ पे जो लोग ऐसे ऐसे लोन में देते हैं ना, है ना, वो लोग ना बहुत खतरनाक होते हैं। हम लोगों को 5 दिन के अंदर ना पैसा वापस देनी पड़ती है, अगर हम नहीं दे तो ये लोग ना हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। मतलब कुछ भी, मतलब क्या कर सकते हैं वो मुझे भी नहीं पता, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तू यहाँ पे वेट कर ठीक है। हाँ, मैं अंदर से जाके ना देख के आता हूँ, ठीक है श्री, तू कहीं मत जाना, यहाँ पे रहना। यस यस तुम जाओ तुम जाओ, मैं इधर नजर रख रही हूँ। ओके यहाँ पे ओ माय गॉड, ये देखो इन लोगों ने यहाँ से लोन लिया था एंड टाइम के अंदर वापिस नहीं करा था, तो इन लोगों को यहाँ पे ट्रैप करके रख दिया लावा के अंदर, जो कि जिंदगी भर ट्रैप रखेंगे। ये बहुत ज्यादा डरावना है, बट पता नहीं अभी तो यार पैसे लेते हैं यहाँ से जो होगा देखा जाएगा। ये हमको पैसा देगा, बट इसकी मुंडी कहाँ है भाई, पता नहीं यार। अच्छा क्या मुझे कुछ यहाँ पे पैसे उधार मिल सकता है? हाँ ओके, मुझे यहाँ पे पैसा इन लोगों ने दे दिया है एंड मुझे बोला है कि 5 दिन के अंदर अगर वापिस नहीं किया ना तो इन लोगों के जैसा मेरा हाल होगा। मैं 5 दिन के पहले ही पैसा दे दूंगा, आई प्रॉमिस। ओके मैं जल्दी से यहाँ पे दरवाजा बंद कर देता हूँ भाई, लेट्स गो गाइस, मैं यहाँ से ना जल्दी से बाहर जाता हूँ। श्री कहाँ? ये रही। हाँ तो ठीक है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और ये देख हम लोगों को पैसा मिल गया। अरे वाह, पैसा तो मिल गया, पर उन्होंने क्या बोला? कुछ नहीं, यही कि बस 5 दिन के अंदर देना होगा। देख हम लोग ना इतने नेगेटिव के नहीं अंदर नहीं सोचते है ना, हम लोग 5 दिन के अंदर इनका पैसा दे देंगे कैसे भी करके। इंसेप्ट तेरे को फिर कितना पैसे दिए उन्होंने? मेरे को 1 2 3 4 5 $10,000। ये ले तू यहाँ पे 2 स्टैक और यहाँ से आधा, ठीक है। देख तेरे पास जितना है मेरे पास भी उतना है, ठीक है 50-50। हाँ श्री, तो ये देख हम लोग ना किसी ना मॉल के अंदर आ चुके, चल अभी ना यहाँ से देखते हम लोग क्या खरीद सकते हैं। वो यहाँ पे मेरे को दो दो शॉप दिख रही है श्री, डायमंड एंड केक की शॉप है क्या? हाँ पेस्ट्री शॉप। यस ये कुकीज का शॉप है एंड ये डायमंड का शॉप है। तो श्री मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं डायमंड शॉप खोलता हूँ एंड तू कुकीज का शॉप खोलना, ठीक है? तो तेरे पास जितना पैसा है उससे सब सामान खरीद ले, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके सी यू लेटर गाइस, लेट्स गो। हेलो सर, मुझे यहाँ पे बहुत सारे डायमंड्स हैं, जो जो भी डायमंड का सामान है वो सब चाहिए। सो ये लीजिए आपका पैसा। ओके अरे ले लो सर। ओके गाइस, मैंने सारा पैसा दे दिया, अभी थोड़े देर में यार मेरे पास सारे के सारे डायमंड एंड सब सामान आ जाएगा। ओके सर थैंक यू सो मच। भाई कितना सारा डायमंड मिल गया मेरे को। श्री कहाँ? ये रही श्री। कैसा क्या? अरे बहुत डायमंड मिला है भाई, गेम का डायमंड, रियल लाइफ का डायमंड, बहुत कुछ मिल गया। अरे तेरे को भी मिल गया, बहुत बढ़िया। और मेरे को भी बहुत सारे चॉकलेट्स मिले, टेस्टी टेस्टी यार। मेरे को तो देख के मेरे को लग रहा है मैं ही ना खा लूं सारे। मैं जस्ट बोलने जा रहा था बहस कि तू मत खा लियो, फिर वो लोग अपने को भाई जेल में डाल देगा, समझ रहा है तू? आई मीन समझ रही है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चल चल आजा 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 आजा। हम लोगों का एक दिन वैसे ही बर्बाद हो चुका है, अभी हम लोगों के पास 4 दिन है श्री, उसके अंदर बिजनेस करना है, शॉप खोलना है, कितना कुछ करना है। चल अभी जल्दी से हम लोग गाँव में वापिस जाते, चल चलते हैं चलते जल्दी। हाँ श्री, तो चल हम लोग ना जल्दी जल्दी से बिल्ड करना स्टार्ट करते अपने शॉप की। ये देख उसके अंदर तेरा सामान है, इसके अंदर मेरा सामान है, भाई क्या क्या सामान मिला है, लेट्स गो जल्दी जल्दी चल। ओके यहाँ पे ओके ब्लैंक्स लगा दिया, ओक लॉग लगा दिया चारों तरफ पे, बस अब इसकी। हाँ बोल यार, अगर हमारे शॉप में कोई नहीं आया फिर? अरे इतना नेगेटिव मत हो यार, अब आएंगे ना, देख पहले हम दुकान तो बनाए ना, फिर हम लोग अनाउंसमेंट भी कर देंगे विलेज में जाके, सब लोग आ जाएंगे। हाँ गाइस, तो अपना शॉप का ना पूरा बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो तो गाइस बन चुका है, लेकिन गाइस अभी ना एक काम बाकी है, जो कि मैं यहाँ पे एक टाइपराइटर रख देता हूँ, क्योंकि इससे ना बिल जो भी है वो बनेगा
एंड वो चेस्ट कहाँ गया? वहाँ पे मैंने बहुत सारी शेल्फ वगैरह रखी थी। और श्री तेरा कहाँ तक हुआ? यार मेरा तो लगभग हो चुका है। लगभग हो चुका है, मेरा भी हो चुका है। बस अभी अंदर की अमीन अपने को ना देख सामान रखनी है। और नाइस नाइस है, तो अच्छा बना रही है। चलो 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 जल्दी चलो यार, मुझे भी करना है यहाँ पे ओक शेल्फ। गाइस इसके अंदर ना हम लोग ना लाइक कोई भी सामान हम स्टोर कर सकते हैं जो हम लोग अपने कस्टमर को बेचेंगे, है ना। मतलब मस्त है ये, बहुत ज़्यादा ही मस्त है। आई थिंक गाइस ये बहुत ज़्यादा है। और ये देखो श्री भी इधर यार काम में लगे हुए हैं। नाइस नाइस यार, हम दोनों कितना ज़्यादा गाइस मेहनत कर रहे हैं। ओके यहाँ पे हो चुका है। अभी गाइस इसकी ना कोई काम नहीं है, तो अभी गाइस यहाँ पर चलो हम लोग सामान को सजाएंगे जो हम लोग बेचने वाले। तो गाइस चलो पहले हम लोग यहाँ पे कुछ डायमंड रखते हैं जो हम कस्टमर को बेचेंगे। यहाँ पे रख दिया ऐसे डायमंड। ओके यहाँ पे डायमंड की गाइस हम लोग कुछ ब्लॉक रखते हैं, डायमंड की ओर रखते हैं। एंड यहाँ पे ये रैक्स भाई, डॉलर की बंडल भी है ये भी। हम भाई ये कोई खरीदेगा यार, बहुत ज़्यादा गाइस पैसा मिलने वाला है इससे सीरियसली। ओके एंड ये लास्ट शवल। एंड यहाँ पे गाइस ये रख दिया मैंने तलवार। एंड मेरे पास बहुत सारा सामान है गाइस सजाने के लिए। भाई देख रहे हो ये डॉलर तो बहुत महंगे में बिकेगा। ओके गाइस ये देखो यहाँ पे ना जितने भी डायमंड चाहिए था सब मैंने यहाँ पे ना सजा दिया। भाई अब ना बिल्कुल लग रहा है कि भाई मैं पूरा एक बहुत मस्त बिजनेस चालू करने वाला हूँ। लेकिन गाइस एक छोटा सी काम अपना बचा हुआ है, जो कि ये डायमंड शॉप है ना, तो इसकी एक काइंड ऑफ मतलब नोटिस टाइप की वो होनी चाहिए ना, तो साइन जो कि है यहाँ पे आइटम फ्रेम के अंदर ना। मैं यहाँ पे बहुत सारे डायमंड आई मीन लगा देता हूँ एक एक करके, ताकि इससे ये नोटिस हो जाएगा कि ये डायमंड शॉप है, दूर से भी लोगों को पता चल जाएगा, है ना। लेट्स गो भाई, अपना शॉप रेडी है एंड श्री का शॉप भी बिल्कुल रेडी है। श्री हेलो। हाँ इंसेक्ट, देख मैंने कितना बढ़िया बनाया है। अरे यार मस्त लग रहा है सीरियसली, मेरे मुंह से तो भाई लाल टपक रहा है तेरे इतने सारे केक्स कुकीज देख के। बट कोई नहीं, हम लोगों को देख अपने पास ना ओनली 2 दिन बचा हुआ है, 2 दिन के अंदर ये सारा का सामान बेचना है। ठीक है श्री, चल तू रेडी है एंड लग जा अभी काम पे। लेट्स गो, लेट्स गो, बाय। यस चलो गाइस मैं भी बिल्कुल रेडी हूं। भाई कितने सारे लोग यहां पे आने वाले होंगे, मैं भाई इंतजार कर रहा हूं यहां पे। यार गाइस बहुत टाइम हो गया यार, बट अभी तक ना कोई भी नहीं आया यार अपने शॉप में। यार क्या चालू होता है, इतने सारे भीड़ कब लगी भाई, कितने लोगों की लाइन आ चुकी। और ये देखो श्री के शॉप के सामने भी भाई कितने लोग आ चुके। लेट्स गो लेट्स गो भाई, जल्दी जल्दी भाई इनको ना सामान देते हैं। ओके ओके ओके, मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ बट ठीक है। हेलो सर, आपको क्या चाहिए? ओके आपको चाहिए एक स्टैक डायमंड और एक डायमंड ब्लॉक। ओके ठीक है, एक स्टैक डायमंड एंड एक डायमंड ब्लॉक। ओके ओके गाइज मैं जल्दी जल्दी से यार सर को सामान दे देता हूँ यहाँ पे। ओके एक स्टैक डायमंड ब्लॉक एंड एक स्टैक डायमंड भी हम लोगों ने दे दिया है। भाई बहुत महंगा है। ओ 13 एमराल्ड, लेट्स गो भाई, अपना पहला सेल यहाँ पे हो चुका है। चलो गाइज अभी यहाँ पे दूसरा चीज हम लोग क्या भेज सकते हैं। ओके ये देखो ये वाला कस्टमर चला भी गया। हाँ तो सर आपको क्या चाहिए यहाँ पे? आपकी गर्लफ्रेंड के लिए एक डायमंड नेकलेस, और क्या चाहिए आपको? एक रियल वाली डायमंड। ओके सर थोड़ा सा महंगा है बट कोई नहीं, ज़रूर ज़रूर यहाँ पे गर्लफ्रेंड के लिए कोई नहीं ले लो। ये है चेन एंड यहाँ पे एक रियल वाली डायमंड, ये वाली देते। VVS डायमंड दे रहा हूँ सर, बहुत ज़्यादा महंगा है, आपकी गर्लफ्रेंड भी खुश हो जाएगी। ये लो सर आपका ऑर्डर यहाँ पे डन। लेट्स गो भाई, ये भी दे दिया हमने एंड ओ 32 आ गया भाई। चलो कितना सारा भाई अपने को पैसा मिल रहा है गाइस, ऐसे करके अपन को सामान बेचनी है। और श्री भी कर रही है ना, हाँ हाँ शायद गाइस वो भी बेच रही है। लेट्स गो, ओ माई गॉड गाइज ये देखो यहाँ से ना मैंने सारा का सारा सामान बेच दिया है, और ओनली ये थोड़ा सा यार सामान बचा हुआ है। लेकिन गाइज देखो मेरे पास कितना सारा पैसा आ चुका है। एंड ओनली गाइज अभी ना एक कस्टमर है, इनको भी जो भी चाहिए हम लोग दे देते हैं। हेलो सर आपको क्या चाहिए? डायमंड आर्मर चाहिए और थोड़े से डायमंड के टूल। ओके सर शायद मेरे पास होगा, हाँ हाँ ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देख लो सर, कोई बात नहीं। ओके चलो चलो गाइज हम लोग जल्दी जल्दी से यहाँ से सामान निकाल लेते एंड जाके सर को दे देते यहाँ पे। ओके आगे जाके ओके सर ये लो आपका सामान, लेट्स गो यहाँ पे ये दे दिया, ये भी दे दिया। ओ भाई अभी तो बहुत पैसा आने वाला है। ओ ये देखो कितना मिल गया, माई गॉड भाई साहब सब सामान गाइस हम लोगों ने सेल कर दिया। अभी अपने पास कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो यहाँ पे अमीर हो चुका हूँ। ओ हो ये कस्टमर भी यहाँ से जा चुका है, अभी शाम भी हो चुका है। चलो गाइस अभी ना जाके हम लोग श्री से मिलते देखते कि उसने कितनी सेल करी है। ओ हो उसका भी एक कस्टमर बचा हुआ है, ओनली उसका भी लास्ट कस्टमर है। हाँ सर क्या चाहिए? ओके हाँ मेरे पास 3 सामान हो जाएंगे, रुकिए मैं लाती हूँ।
भाई श्री भी बहुत ज्यादा यार मेहनत किया है, देख रहे हो उसने भी कितना सारा कुकीज था वो सब भेज दिया। नाइस यार, हम दोनों ने आज तो बहुत ज्यादा कमाई की है। थैंक यू सो मच सर, वैसे जरूर आना। हो इंसेक्ट सब बिक गया। ये सब बिक गया और पता है कितना सारा हम लोगों को आज पैसा भी मिला इसलिए। हाँ यार, मेरे को भी बहुत सारे फ्रेंड मिला है, बहुत सारा। हाँ यार, और देख हम लोगों के पास इतना पैसा हो गया ना, वो मनी लेंडर को जाके मुंह पे पैसा फेंक के मारेंगे और अब हम लोग अपना वो घर को छोड़ते हैं, न्यू एक बंगलो खरीदेंगे। हाँ श्री, हाँ चल चल लेट्स गो, शहर में जाके एक बंगलो खरीदेंगे हम लोग। आजा।